Hello students, this is Akshay again, your physics teacher. Now let's start a next chapter of 10th class that is called as electricity. Okay, तो ये भी बहुत interesting chapter है. I hope I could have taught you this in the classroom क्योंकि बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में. Again, okay, in this proper times we can always use some technology. तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं. तो सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे होती है, उसके थोड़े बेसिक टर्म सीखेंगे हम. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो पहले ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गई. एक ग्रीक वर्ड होता, ग्रीक वर्ड था इलेक्ट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एम्बर. एम्बर पता होगा ना, एम्बर जो घिसते हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो वहाँ से मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा इफेक्ट शुरू किया जिसने, उसको हमने कहा इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इलेक्ट्रॉन में के था, तो उसको जब रिफाइन करते आए तो हमें एटम का स्ट्रक्चर समझ में आया. तो उसमें एक छोटा सा पार्टिकल था जो इट मूव्ड अराउंड द न्यूक्लियस एंड वी कॉल्ड इट एज ए इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि एटम होता कैसे है. मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे. शायद आपको पता हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसी चीज़ को किसी पे अगर रब करोगे तो चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, तो ये भी पता होगा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव अगर साथ साथ रखें तो दे रिपेल ईच अदर. अगर नेगेटिव साथ रखें दे आल्सो रिपेल ईच अदर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, दे अट्रैक्ट ईच अदर. दीज आर सम बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, ये शायद आपने 7th या 8th में कहीं पे देख लिया होगा. ओके, बट नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी बी टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था. जो चार्जेस थे दे वर एट रेस्ट, वो रुके हुए थे. अब जो हम सीखने जा रहे हैं नाउ द चार्जेस आर नॉट एट रेस्ट, दे आर मूविंग एंड द मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो चार्जेस पढ़ने से पहले हमें पहले ये देखना होगा कि एटम होता क्या है. एटम का जो स्ट्रक्चर अभी प्रपोज किया है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो बीच में है और द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड इट. अभी न्यूक्लियस में क्या क्या होता है. न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन. ओके, तो न्यूट्रॉन को भूल जाओ. प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है इट इज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इट इज नेगेटिव. तो इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब ऐड करते हैं तो टोटल चार्ज आ जाता है 0. तो 0 चार्ज आने की वजह से हम कहते हैं द एटम इज न्यूट्रल. इजंट इट? ये बेसिक पता भी होगा बहुत से बच्चों को. तो अगर मान लो मैंने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, कहीं से मान लो ऐड कर दिया, तो अब जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा. नाउ द नेगेटिव चार्जेस आर मोर देन दैट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस. तो इसलिए इस एटम पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी नेगेटिव. अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए मैंने, तो इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव. तो सिंपली क्या कर सकते हैं हम कि अगर एटम पे कोई भी चार्ज लाना है, पॉजिटिव लाना है या नेगेटिव लाना है, तो हमारे हाथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो या फिर रिमूव करो. प्रोटॉन को बाहर निकालना इतना इजी नहीं है. देन विल बी डीलिंग विथ न्यूक्लियर एनर्जी. समझ में आ रहा है? तो सिंपल सी बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज होगा एटम पे, अगर रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा. तो ये चार्जेस वगैरह आपने सीखे होंगे अपने 7th या 8th में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पार्ट में. तो ये इलेक्ट्रिसिटी में आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्जेस होते क्या हैं. ओके, तो चार्ज की डेफिनेशन जो है, इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम एंड इट कैन बी ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव. तो एटम में नेगेटिव चार्ज कौन देता है, इलेक्ट्रॉन, and the positive charge is associated with the proton. तो structure हमने देख लिया कि electron is revolving around the nucleus and the proton is present or situated in a nucleus. Okay, nucleus के अंदर क्या क्या होता है? neutron होता है, proton होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी है, पॉजिट्रॉन वगैरह सब है, तो वो हम आगे कहीं पे हायर सिलेब स्टडी में देख लेंगे. अभी देख लो कि नेगेटिव चार्ज इज एसोसिएटेड विद अ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इज एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन. और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिखाते हैं उसको जो डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट यूजिंग विद स्मॉल ई लेटर. ओके, स्मॉल ई लेटर. तो कोई भी चार्ज, अभी चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? क्यू से. तो कोई भी चार्ज अगर हो, मैंने अभी अभी बोला कि किसी भी बॉडी पे अगर हमें चार्ज देना है, ओके, अगर नेगेटिव चार्ज देना है तो सिंपल सी बात क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दो. मान लो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो इस पर चार्ज कितना आया? 3 इलेक्ट्रॉन्स वाला चार्ज आया. अगर मान लो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? निकाल दिए, तो +3 इलेक्ट्रॉन्स वाला चार्ज आया उसमें. पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव आया. तो जो भी चार्ज आ रहा है इट इज मल्टीपल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. समझ में आ रहा है? क्योंकि हम हमारे हाथ में क्या है, अगर चार्ज देना है तो हमारे हाथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो या रिमूव करो. और आप इलेक्ट्रॉन्स को आधा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो या फिर 3/4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ऐसे नहीं कर सकते. इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना है इसमें, या फिर रिमूव करना है तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करना है. तो किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज आ सकता है तो इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ये आपको 11th क्लास में सीखोगे इसके बारे में, 12th क्लास में, सॉरी. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, ये पहली बात सीख ली. और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, वैल्यू होगी, इट विल बी ऑलवेज इन मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कैसे दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं. तो किसी भी बॉडी पे अगर मुझे चार्ज दिखाना है तो इट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव और मल्टीपल्स एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. मतलब 3 into इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये हो सकता है, 3.5 वगैरह नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा हायर कंसेप्ट है, ये अगर समझ में नहीं आया तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लो. ओके, नाउ वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है. एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड by using small letter e. ओके, चार्ज को जो मेजर करते हैं हम, उसके लिए कोई ना कोई यूनिट लगेगा. मेजर करना है तो यूनिट लगेगा. यूनिट लगा है तो हम कौन सा यूनिट स्टडी करते हैं? एसआई यूनिट. और एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज कूलम. कैसे पढ़ेंगे इसको? कूलम एंड डिनोटेड बाय कैपिटल सी. समझ में आया? क्लियर है? तो मान लो मैंने किसी भी बॉडी पे चार्ज बोल दिया कि 1 कूलम चार्ज है, तो 1 हो गया उसका मैग्नीट्यूड, सॉरी न्यूमेरिकल वैल्यू, और c हो गया द चार्ज ऑफ दिस यूनिट. ओके, तो ये ध्यान में रखो, कूलम जो है इट इज एसआई यूनिट ऑफ. तो अगर मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे एक एटम है, ये क्वेश्चन पूछ लिया है बोर्ड को, बहुत बार पूछ लिया है, अभी जो मैं पूछने वाला हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे एक एटम है जिसपे चार्ज है 1 कूलम. कितना चार्ज है? 1 कूलम. तो आपसे ये पूछेंगे कि कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इस पे रखे हैं हमने. तो मान लो मैंने कहा ये -1 कूलम है चार्ज, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है. समझ में आया? ये मॉलिक्यूल है, कोई पार्टिकल है, मान लो इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कितने पार्टिकल्स है ऐसे पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे पड़े. तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, ध्यान रखो. जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जिसको हम लिखते हैं ई से, इट्स वैल्यू इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. इसका मतलब समझ लो कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो होगा उस पे कितना चार्ज होगा? 1.6 × 10⁻¹ कूलम. समझ में आया? कूलम तो यूनिट है चार्ज का, और एवरी इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज देता है? 1.6 × 10⁻¹⁹. इसको याद रखना, इसको भूलना नहीं जिंदगी में कभी. ओके, तो ऐसे छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स मिल के, मुझे पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसको मैं कहता हूँ एन इलेक्ट्रॉन्स है. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन. इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल के जो चार्ज बना है, वो कितना चार्ज बना है यहाँ पे? 1 कूलम। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अभी तो थोड़े जीनियस बच्चों को इसका आंसर समझ में भी आया होगा कि कैसे निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखता हूँ कि मान लो आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में हर बॉक्स में मैंने कहा कि 10 स्टोन्स है, ओके। हर बॉक्स में कितने स्टोन्स हैं? 10 स्टोन्स हैं। और मैंने ये सारे बॉक्स किसी बड़े बॉक्स में डाल दिए और मैंने जब सारे स्टोन्स मेजर किए देन आई गॉट टू नो दैट द टोटल स्टोन्स नाउ कमिंग आर 5000 स्टोन्स। तो मुझे ढूंढना है कि कितने बॉक्स है इसमें। कैसे ढूंढोगे कितने बॉक्स है ये अगर ढूंढना है? ये छोटे छोटे जो बॉक्स हैं यहाँ पे, इसमें मैंने ऐसे डाल दिया और सारे स्टोन्स मिला के कितने हैं? 500। और हर बॉक्स में 10 स्टोन्स हैं। तो मुझे बताओ टोटल स्टोन्स कितने हैं? ऑब्वियसली क्या करोगे? द एन बॉक्स, कितने बॉक्स है इसको मैंने एन बोल दिया। इट विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स अपॉन द स्टोन और द स्टोन्स इन ए इंडिविजुअल बॉक्स। तो इसमें कितने बॉक्स होंगे? देयर विल बी 500 बॉक्स। तो सिमिलरली हमें यहीं पे यहाँ पे वही करना है हमें, ओके। ये जो इक्वेशन पूछा है कि किसी पार्टिकल पे या किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक बॉक्स में इतना कूलम है और सारा मिला के जो चार्ज आया कितना है? 1 कूलम आया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आया? तो मान लो एन इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन इलेक्ट्रॉन्स। हर एक पे कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻¹⁹ और इन सबका मिला के चार्ज जो आ रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी 1 कूलम, करेक्ट। तो हमें ढूंढना है कि n कितना है। तो अगर n ढूंढना है तो क्या करोगे? 1 कूलम अपॉन ये 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, करेक्ट। तो कूलम अभी भूल जाओ क्योंकि n ढूंढना है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। तो नंबर को कोई यूनिट नहीं होता कि 100 किलो इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे कुछ नहीं। नंबर है, नंबर है, ठीक है। तो ये कूलम भूल जाओ या फिर हटा दो। सो इट विल बी 1 अपॉन 1.6 × 10⁻¹⁹। तो इसको जब सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 6.2 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। या फिर अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है? इतने इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो अभी जो आपको याद रखने वाली बात है ये है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है और 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझ में? बस इतना ध्यान में रखो, बाकी भूल जाओ क्योंकि ये मैं फिर से सिखाऊंगा आपको क्लासरूम में। अगर मुझे पता है सभी बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं क्लासरूम में फिर से लूंगा। डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप दिस वैल्यू इन योर माइंड, ओके। नाउ जब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बाद जो हम कंसेप्ट सीखते हैं द कंसेप्ट इज अबाउट करंट। अब तक हमने देख लिया था कि चार्ज जो है रेस्ट में है, तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टेशनरी, इसलिए स्टैटिक। नाउ व्हेन द चार्जेस स्टार्ट टू फ्लो देन वी टॉस अ न्यू टर्म दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और सिंपली करंट जिसको दिखाते हैं हम कैपिटल आई से, क्योंकि कैपिटल सी से तो हमने कूलम दिखा लिया, करंट भी कैपिटल सी से दिखाओगे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वी आर डिनोटिंग इट यूजिंग द लेटर कैपिटल आई, ओके। ध्यान रखना है। तो करंट की डेफिनेशन क्या है? ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। अभी आपको नेट चार्ज समझ में आना चाहिए क्या होता है, ओके। तो या फिर नेट को थोड़ा सा भूल जाओ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो मतलब अगर करंट को मैंने डिनोट किया आई, ओके, तो ये जो करंट है इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, समझ में आ रहा है? मतलब ये अगर मैंने पाइप ले ली, ओके, और स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी और मैंने देखा कि 10 मिनट्स में 2 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से एंटर किया, यहाँ से बाहर गया, 2 कूलम का चार्ज। तो कितना करंट फ्लो हुआ, दिस विल बी द टोटल चार्ज एंड दिस विल बी द टाइम टेकन। समझ में आया? जैसे हम लिखते हैं कि डिस्टेंस इज वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस करंट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है। तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखो, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ओके। तो कितना करंट फ्लो, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने समय में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? यहाँ पे जो छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पे फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को उनके खुद के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इतना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम में, मान लो 1 सेकेंड में। तो दिस चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड विल गिव अस व्हाट? करंट। अभी करंट देगा तो ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगी कि 2 आ गया मान लो, तो ये करंट होगा हमारा। तो 2 क्या, 2 kg होगा, न्यूटन होगा? नहीं, करंट को जो मेजर करते हैं वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। चार्ज का एसआई यूनिट क्या था? कूलम। और इसका यूनिट जो है वी डिनोट इट यूजिंग अ कैपिटल लेटर ए, ओके। तो 1 एम्पियर को अगर मैं डिफाइन करूँ, 1 एम्पियर, so it is nothing but 1 coulomb of charge flow or flowing per 1 second, okay। तो 1 कूलम वाला चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। दैट इज नथिंग बट 1 एम्पियर। तो ये भी आपको पूछते हैं कि डिफाइन 1 एम्पियर। व्हाट इज 1 एम्पियर? व्हेन द चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज फ्रॉम वो flows for 1 second we call or we define it as 1 ampere। सिंपल सी बात है, ओके। I की जगह मैंने उसका यूनिट लिखा, Q की जगह मैंने उसका यूनिट लिखा, T की जगह मैंने उसका यूनिट लिखा, ओके। देन वी डिफाइन दी एम्पियर, ओके। तो अभी करंट जो है हम एम्पियर में मेजर करते हैं, लेकिन कभी कभी करंट इतना छोटा होता है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, तो उसके जो यूनिट्स होते हैं सिर्फ एम्पियर नहीं होते, वो कभी कभी मिली एम्पियर हो सकते हैं। जैसे जैसे कभी कभी ग्राम होता है, उसका मिलीग्राम में मेजर करना पड़ता है, या फिर बहुत से छोटे छोटे। तो हमें किस में मेजर करना पड़ता है? मिली एम्पियर में। मतलब 1 एम्पियर का, मतलब इसको अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, अगर 10⁻³ एम्पियर बोलोगे तो उसका मतलब होता है मिली एम्पियर। या फिर इतना कभी कभी छोटा होता है, इट इज अराउंड माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो को लिखते हैं 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बस याद रखो कि मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, ओके। तो ध्यान में रखना। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एमीटर। It is defined as the device to measure electric current। इलेक्ट्रिक करंट करने वाला जो मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है, जिसके बारे में आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, इट इज कॉल्ड एज एमीटर। तो हमने 4 पॉइंट्स देखे। व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। व्हाट इज एम्पियर? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट and it is defined as the 1 coulomb of charge flowing for 1 second, okay। Then what are the commercial units? Commercial units are very small units, milliampere and microampere। Milli is 10⁻³, micro is very small, that's why it is 10⁻⁶। And what is ammeter? The device to measure electric current is called as ammeter, okay। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? The last point about the current we will be learning about the direction of current। अभी सब तो देख लिया, अभी डायरेक्शन क्या होती है करंट की। मान लो मैंने क्या किया, एक बैटरी ले ली, छोटी सी सेल ले ली, मान लो उसको कनेक्ट कर दिया मैंने ऐसे एक बल्ब से, ठीक है। यहाँ पे मान लो ऐसे गरीब बल्ब है ऐसे, ओके। तो सेल तो पता होगा ना, कहीं पे देखा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये इसके वजह से इसके इसमें कुछ एनर्जी होती है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इसमें। ओके, तो आगे जाके देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं। बस ये ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो उल्टा बिहेव करते हैं, ट्रेवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो उस करंट को, मतलब वो जो फ्लो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान में रखना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये अगर नहीं समझ में आया ये क्या है, ये और ये, तो भूल कुछ टेंशन मत लो, आगे जाके सिखाऊंगा मैं। लेकिन ये ध्यान में रखो कि जब बैटरी कनेक्ट करते हो, सेल कनेक्ट करते हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से, नेगेटिव से ऐसे जाके पॉजिटिव तक आते हैं। ओके, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन्स एंड द कन्वेंशनल करंट। अभी क्या था कि ये जब पता नहीं था ये सब इतना, तब हमने थोड़े दिमाग में फिट कर लिया था कि करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो कन्वेंशनली हमने मान लिया था कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमें पता है कि नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन हमने सिंप्लिसिटी के लिए कन्वेंशनली ये फिक्स कर दिया कि करंट को वैसा उल्टा नहीं मानेंगे, करंट को ऐसे मानेंगे कि इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ में आया। सो द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। The flow of electrons is from negative terminal to positive terminal, उल्टा है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं अबाउट द करंट। द फर्स्ट वाज द डेफिनेशन, द सेकंड वाज द यूनिट ऑफ द करंट, द थर्ड वाज द सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स लाइक मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, देन अबाउट द डिवाइस टू मेजर द करंट एंड देन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सॉल्व वन एग्जाम्पल, क्विक एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल, आपकी बुक से है ये। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। तो करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ओके, एम्पियर में दिया है करंट 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। फिलामेंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब देखा है, उसके अंदर ये वाला पार्ट होता है, देखो ये मान लो बल्ब ऐसे, ये उसका ग्लास है बाहर वाला, और ये जो अंदर दिख रहा है ये छोटा सा पार्ट होता है, देखो वायर होती है, उसको कहते हैं फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। करंट कितना ले लिया, 0.5 एम्पियर, कितने मिनट्स के लिए, 10 मिनट्स के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, मतलब कितना चार्ज फ्लो किया। तो अगर क्वेश्चन ऐसा वाला क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करे तो पहले, सबसे पहले गिवन लिखो, भले आपको आंसर पता ना हो, गिवन लिखो। तो पहला गिवन जो है इट इज अबाउट करंट। करंट को कैसे डिनोट करोगे, आई से। कितना दिया है करंट, 0.5 एम्पियर। सेकेंड क्या दिया है, टाइम दिया है, टाइम इज गिवन एज 10 मिनट्स। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट वॉट, एस आई यूनिट। सो 10 मिनट्स के सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 10 × 60 दैट इज 600 सेकेंड्स। तो ये भी एस आई में हो गया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दे आर आस्किंग अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, जो भी आएगा कूलम्स में, ओके, कूलम में आएगा। तो ये तो गिवन दिया है। तो यहाँ पे देखो ये 3 सिम्बॉल हमें दिख रहे हैं, आई, टी और क्यू। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था लास्ट वाली स्लाइड पे, क्या देखा था कि द करंट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, देखा था। तो उसमें हमें करंट तो पता है, यहाँ पे टाइम भी पता है, यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है, क्यू ढूंढना है। अरे बहुत सिंपल बन गया क्वेश्चन। क्या करोगे फिर, करंट कितना दिया है 0.5 इज इक्वल टू क्यू, कितना दिया है पता नहीं है हमें, वैसे ही रखो, वही तो ढूंढना है, और टाइम कितना दिया है 600। तो यहाँ पे अगर Q निकालना है तो इसको इस बाउंड्री के पार लेके जाओगे 600 को. सो द Q विल बी 600 इंटू 0.5. तो ये जो 0.5 है इसको अगर पॉइंट हटाना है आपको तो इसमें से एक ज़ीरो हटाना पड़ेगा. तो 60 इंटू 5. So 6 into 5 is 30 and this 0. So 300 coulomb of charge पास किया है इसमें से. समझ में आया? This is the answer for your question. Simple, very simple. Okay. So I hope electric charge और electric current आपको clear है. Next lecture हम electric circuit के बारे में सीखेंगे. So have a good day guys.